हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आपके सामने फिर मैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ लेकर आई हूं। तो आज हम इस प्लांट के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत है, फुली इंडोर प्लांट है। आप इसको अगर इंडोर में लगाते हैं तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। ये है पिंक ड्रेसिना। पिंक ड्रेसिना एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है जो कि बहुत खूबसूरत पत्तियों के साथ अपनी खूबसूरती बिखेरता है। ये प्लांट बहुत आसानी से चल जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, देखिए इस तरीके से इसकी पिंक पत्तियाँ होती हैं। और जैसे ही अपनी ग्रोथ पर आएगा तो इसकी पत्तियाँ जो हैं पूरी पिंक हो जाती हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। अभी तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में ये इस तरीके का है। आप ये बॉर्डर देख रहे हो इसका, देखिए ये पिंक कलर का है। अभी तो इसका बॉर्डर पिंक कलर का है, लेकिन ये धीरे धीरे जो है पूरी पत्ती को कवर कर लेगा और अपने आप को पूरा पिंक कलर में कन्वर्ट कर लेगा। और इसका ये जो प्लांट है ये बहुत ही आसानी से चल जाता है। पहले मेरे पास ये प्लांट था, ये थोड़ा लंबा हो गया था, तो अगर आप इसको लगाना चाहें तो आप इसको एक ही पॉट में छोटे कई प्लांट आप इसके लगा सकते हैं, ताकि ये प्लांट थोड़ा बुशी दिखाई दे। क्योंकि अगर आप एक सिंगल प्लांट लगाते हैं तो फ्रेंड्स एक ये पेंसिल की तरह स्टिक होती है और ये और इसकी पत्तियां जो है चारों तरफ से निकलती है, तो ये सिंगल होता है। लेकिन मेरे पास ये प्लांट लगा हुआ था, देखिए मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया था फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा होगा। तो उसी में से ही फिर ये देखिए दो प्लांट इसमें से निकले हैं और उसी के बाद आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो। दो प्लांट लगने के बाद जो है ये कितना खूबसूरत लगता है। एक सिंगल प्लांट लगाने से इसकी खूबसूरती इतनी नहीं होती है। मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप जब भी इस पिंक वाले ड्रेसिना को लगाइएगा, एक पॉट में कम से कम आप दो से तीन प्लांट ज़रूर लगाइए, जिससे इसकी ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि थोड़ा घना हो जाता है और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। इसकी जो डार्क कलर की पत्तियाँ होती है ना फ्रेंड्स, उसी से ही इसकी बहुत सुंदर ब्यूटी होती है। तो आपको ये अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मैं इसकी केयर के बारे में बताऊँ, ये इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत आसानी से चल जाता है। इसे खाद और फर्टिलाइज़र की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये ड्रेसिना बहुत ही सिंपल है। वैसे तो ड्रेसिना की सभी एक ही तरह की जानकारी होती है, लेकिन अगर आप इसको तेज़ धूप में रख देंगे तो फ्रेंड्स इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बर्न होना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर ये प्लांट शॉक में आ जाता है और ग्रोथ इसकी नहीं हो पाती। इस समय इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, आप देख सकते हो। तो बस फ्रेंड्स, मुझे यही शेयर करना था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।